और समझने की कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो आज हमें अगर दो रोटी हमारे घर में तो एक रोटी अपने अपने एक पड़ोसी को दे। पुष्प गुच्छ भेंट करेगी हमारी प्यारी तपस्या को, जोरदार तालियों से इसका अभिनंदन और सपोर्ट करें इसका मनोबल। शिक्षिका के लिए आपकी अपनी बेटी एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही मसरूफ रहता है। काश ये सारी चीजें खत्म हो जाती तो जो हमने सपना देखा है राम राज्य का वो कायम हो जाएगा, होने भी लगा है ये हम सब जानते हैं। और मैं चाहती हूँ यशस्वी तिवारी आप हमारी मुख्य अतिथि के लिए कुछ डिमांड थी। उन्होंने कहा कि मुट्ठन चाचा के साथ मिल करके कि हम लोग क्यों ना जरूरतमंदों के लिए रोटी का इंतजाम करें। इंसानियत की रगों में एक ही खून बहता है, फिर क्यों आदमी सद्भाव छोड़। विद्यालय की एक कर्मठ शिक्षिका ने सपना देखा है राम राज्य का वो कायम हो जाएगा, होने भी लगा ये हम सब जानते हैं। और मैं चाहती हूँ यशस्वी बहुत बड़ा योगदान है और जो अनवरत जारी है उनसे मैं बहुत सैनिक सलाम और नमस्कार करते हैं। बताना चाह रही हूँ कि इस रोटी बैंक का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि वो न जात देखता है, न पात, न धर्म देखता है, न मजहब, जहाँ लोग अपने को अच्छा रोटी बैंक वालों ने हमको इस चलिए
सर का धन्यवाद करिए। सारे कंबल भर जाएंगे उनके पास, उनके आधार कार्ड पर कंबल मिल जाएंगे। सारे कंबल भर जाएंगे उनके पास, उनके आधार कार्ड पर कंबल मिल जाएंगे। माँ बेटी का मुंह पकड़ लिया, उन्हें कहा क्या बोलती हो तुम, आ जा, ऐसी बातें नहीं बोली जाती। आया तो उनका माँ बहुत जोर से, और जो कुछ भी हमसे मदद होगी हम आपकी करेंगे। 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। अभी बताना चाह रही हूँ कि आज लगभग 750 कंबलों का वितरण होगा, और इससे पहले भी ये कंबल वितरण लगातार अपने फैला चुके हैं। क्या आप लोगों को बांटा गया है? रोटी बैंक वालों ने क्या बांटा गया? कम्बल। तो क्या सरकारी कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं, रोटी बैंक वालों ने। रोटी बैंक क्या क्या बांटती है? कम्बल और खाने को पूरी सब्जी। कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा। तो क्या रोटी बैंक को किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एना दो यार, तुम कहीं कहाँ यार, उंगत पर रहते यार, तो कैसा खड़ा होता थी आप? सही चलो, और बताओ कौन है? हटो तुम, खिंच गई तुम आज फोटो ले लो। गरम वाले बनो, जहां तक
चलो आ जाओ। हाँ उसको ढूंढो कहाँ है बताओ। हटा यार तुम सामने से आ रही यार चुल्ल चुल्ल कर रही। चुनाव की लड़ने जो बता दू बूट वही कहते हैं कौन नहीं लड़ना भैया परेशान ना। मंसूरी ये कंबल बांटे जा रहे हैं कितनी खुशी हो रही है और सरकार बहुत खुशी हो रही है। सर्दी का मौसम चल रहा है वैसे ये सरकार को करना चाहिए मगर सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। और जी रोटी बैंक वाली जो है कर्मचारी वो गरीब इंसान को खाना भी दे रहे हैं और कंबल भी बांट रहे हैं। कैसी खुशी महसूस करती हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज गरीबों यतीमों को दिबांगों को बेसहारा और सड़क पर पड़े हुए लोगों के साथ हम लोगों ने शीतकालीन उत्सव मनाया है जो हर वर्ष मनाते हैं दस वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग शीतकालीन उत्सव मनाया है जिसमें 365 लोगों को जो हमसे प्रतिदिन भारतीय रोटी बैंक से खाना देते हैं उनको कंबल बांटे गए हैं जिसमें दिबांग है बेसहारा है सड़क पर पड़े हुए लोग हैं जिनका कोई नहीं उनका रोटी बैंक उनका हाथ बटाता है उनके दर्दों को जानता है उनके आंसुओं को जानता है उन तक खाना ऑक्सीजन और कंबल पहुंचाता है। और यही संदेश है हमारी रोटी बैंक का कि तुम्हारा कोई भी पड़ोसी इस देश का पूरे विश्व में कोई भी भूख के अभाव में खाने से ना मरे। चाचा क्या लगता है जो मदद आप लोगों के द्वारा की जा रही है कहीं ना कहीं वो सरकार को करना चाहिए? सरकार का काम सरकार करती है वो जुमलेबाजी ज़्यादा करती है धरातल पे आकर ये सर नहीं देखती ना उसे आंसुओं का किसी का दर्द है उसे तो अपनी कुर्सी की चाह है अपने जुमलों की चाह है। जब आप इंसान हैं इस भटकते हुए सड़क पर डरे हुए लोगों को देखो तो आंख भर आती है आंसू भर आते हैं। हमें इंसानियत एक एक दर्द पैदा होता है तो वो कार हमारा है हम कर रहे हैं सरकार जो चाहे करे या जुमलेबाजी करे हम उससे कुछ नहीं।